हक बिल्कुल छीन लिया जाए, उनके जीने का हक बिल्कुल छीन लिया जाए। माफिया अतीक अहमद को गुजरात जेल से प्रयागराज लाने पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने सरकार से गुहार लगाई है कि उसके जीने का हक छीन लिया जाए। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक कोई न कोई उमेश पाल खत्म होता रहेगा। अतीक अहमद ने मेरा परिवार उजाड़ा है, उसका भी वही हाल होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही रहेगा कि जो मैंने अब तक कहा है कि मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूंगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन दिया जाए। वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा और कोई ना कोई उमेश पाल खत्म होता रहेगा, इसलिए उनका खात्मा जरूरी है। अपनी जगह कह रहा है कि मारना चाहते हैं सब लोग। जब तुम मारने में पीछे नहीं रहो, हम तुमको मरवाएं तो क्या दिक्कत है? तुमने भी तो किसी का, मैंने मेरा सुहाग उड़ाया, उजाड़ा, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरा परिवार छिन्न हो गया, तो तुमको डर लग रहा है तो भगवान करे तुमको उसी तरह का, तुम काँप काँप के मरो, मेरी बददुआ लगे तुमको। अच्छा है, भगवान करे उस तरह हो कि तुम्हारा खात्मा हो, तुम्हारा पूरा घर परिवार सर्वनाश हो जाए। समाज हमारा इस आदमी से पीड़ित है, इसको खत्म करना जरूरी है। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? मुझे बाबा जी पे भरोसा है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। आपको बता दें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। उसे उमेश पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाना है। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम काफले के साथ सड़क के रास्ते निकल आई है। अतीक को प्रयागराज तक पहुंचने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। अतीक के संभावित रूट को लेकर तमाम चर्चाएं थी। नॉनस्टॉप चलने पर इसे कवर करने में करीब 30 घंटे का वक्त लग सकता है। यूपी पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है। 45 पुलिसकर्मी और 15 गाड़ियां एस्कॉर्ट काफले में शामिल हैं। उसे प्रयागराज लाने में राज्यों की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो जीने का हक बिल्कुल छीन लिया जाए, तो जीने का हक बिल्कुल छीन लिया जाए। We'll be right back.